डोगरा स्वाभिमान संगठन कल जम्मू में करेगा एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन। धारा 370 समाप्ति की चौथी वर्षगांठ पर जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इंद्रधनुष योजना, बच्चों के टीकाकरण की छूटी हुई डोज को पुनः लगवाने का मिलेगा मौका। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा पंजाब के द्वारा दिए जा रहे जम्मू के छात्रों को बेहतर टेक्निकल एजुकेशन के अवसर, छात्रों की दाखिले के साथ साथ मिलेगी बेहतरीन स्कॉलरशिप हासिल करने का भी अवसर। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन एनिवर्सरी पर बोले एलजी मनोज सिन्हा, सड़कों पर हिंसा का युग खत्म, अब हड़तालें नहीं होती। एलजी ने कहा कि हिंसा का समर्थन करने वालों को उनके कर्मों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। सरकार किसी भी स्तर पर निर्दोष नागरिकों को कोई भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगी। सोपोर से अपनी पार्टी इंचार्ज से यंग बाइट्स ने की मुलाकात। अपनी बात बोलते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार 370 पर हो रही सुनवाई पर है भरोसा, चॉइस किया जाएगा इंसाफ। पूर्व उप सीएम कविंद्र गुप्ता ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद की उपलब्धियां की सांझा, बोले 4 सालों में हुए हैं कई सारे विकास, लोगों को मिली है सुविधाएं। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी उद्योग की साझेदारी, इसरो ने निजी फर्म को सैटेलाइट बस तकनीक ट्रांसफर की। इसरो ने शनिवार को कहा कि उसने IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी को अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया है, जो देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी उद्योग की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। कर्नाटक में दूषित जल पीने से महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत, मरने वालों के आंकड़े बढ़े, 36 लोग भर्ती। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जल में दूषित पानी मिलने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है और वही 36 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दूषित जल के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या 185 हो गई है। प्रशासन ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जाँच के दौरान पानी में किसी तरह का जहर नहीं पाया गया है।